सब लोग आ गए, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब नहीं, मैं किसी का वेट करूंगी। नो वन विल बी वेटेड बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम। वंकज शसान, एक मिनट रुको बेटा, करा मन मनी, एक मिनट रुको, एक मिनट। रब इज्जत, हाँ जी चलो। Listen to me carefully. Okay. Meeting the parts. Okay. हाँ दिया है क्लास में, तो फिर क्लासेस में। अच्छा, तो कोट हुए दिस। अच्छा, सो मैंने टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है, टेक्स्ट उसमें पूर्ण था दिया खुद ही। एक मिनट, ग्राम हादिया ग्रामर सारा कंप्लीट किया। हाँ परहाना हादिया, कोई बोलो ग्रामर पूर्वा, सॉरी कि तक मच किया रोजा। आवाज आ रही है? ओ बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। कितना पढ़ा? तो मुझे बीच में डोज ऑफ होता ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या हो गया तुम लोगों को? आपको क्या रीजन आप डोज ऑफ हो जाते हो? किसी को नहीं पता क्या पढ़ा ग्रामर में? ब्रीफ मी, व्हाट डिड यू स्टडी? क्या मिस हो गया? आई डोंट रिमेम्बर नाउ। फिर नहीं कल कल रोते रोते आना, मैम ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। प्यार रहमत कहत करता है वो। क्या हो गया तुम लोगों को? चलो लिसन, ओके सो मीटिंग द पॉइंट्स। ओके Meeting points and concerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air of some time of dankness. So the point is telling कि जब मैं point से मिलता हूँ, मैं confused हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे confusion का साथ, तीन से appearance के लिए, बट मैंने changes, उनको देखे मुझे कुछ अलग सा लगता है, जैसे वो जिस रंग के वो socks पहनते हैं, या उनका जो होता है, जो उनका वो suspicion of wig नहीं कि ये नकली बाल, इसमें हम एक्सटर्नल बिहेवियर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, कि उनका जाहरी तरीका देख के भी मुझे यू नो थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, समझ आया? यू नो वो देख के भी मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, वो मुझे अजीब, बुरा नहीं अजीब लगता है, और उनकी आवाज में जो वो चुभन है, वास्प हो गया चुभन यहाँ पे, ठीक है, जो चुभन है और थोड़ी तलखी है, वो भी मुझे अजीब लगती है, और उनके मतलब जो समथिंग कुछ थोड़ा सा अनप्लेजेंटनेस है, थोड़ा सा जो कि वो खुशक बासन, सच में अजीब बासन। देखिए बेटा, आपको अगर तकलीफ मिली है ना जिंदगी में, शायर वो बनता है जिसको जिंदगी तकलीफ तो नहीं कह सकती, जिस जो कि हसास होता है, कहीं ना कहीं जिंदगी की तकलीफ सबको मिलती है, मगर इस पॉइंट से हसास शख्स होता है ना, पॉइंट से हसास शख्स के लिए क्या होता है, वो तकलीफ यू नो सुच ज्यादा ओवर एनालाइज करा बाकी वक्त, वो ज्यादा समझने की कोशिश करता है, वो ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, दैट पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है, समझ आ? तो अब ये कहता है, अच्छा हाँ बेस्ट, हाँ तो ये सब उसकी जो अपीयरेंस अपीयरेंस है पॉइंट, वो ये जो उसकी अपीयरेंस है, ये उसको कंफ्यूज करती है, समझा? फिर ये कहता है, अच्छा 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 बेस्ट टू मीट इन द पॉइंट्स कूल स्पेकल शेल्स इन विच वन हियर्स अ सैड बट डिस्टेंस सी। ये कहता है कि अच्छा है यू नो जब यू नो देन ही सेज दिस, ओके व्हाट इज इट, अच्छा ओके सो ही टेल्स अस बेहतर है यू नो ओके ये कहता है कि सबसे बेहतर ये है कि आप पोइट की पोइट्री समझो, वो क्या कहता है, उनके जाहिरी तरीके जाहिरी बिहेवियर से आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
आप कंफ्यूज मत हो जाओ उनके जाहरी बिहेवियर से, जाहरी तरीकों से मत कंफ्यूज हो जाओ। आप बस देखो उनकी बात सुनो, उनके तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? उनकी उनकी राइटिंग से आपको समझ आ जाएगा वो कैसे इंसान है, उनमें क्या दर्द भरा है। अगर वो कोई पॉइंट तलक भी है यार जो खुश किया यार रो मत, बट देयर पोइट्री स्पीक्स कि उनके साथ हुआ क्या है। और ये कभी कभी कहते हैं कि उनकी पोइट्री समझ कभी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो लैंग्वेज होती है ये तंज भी है कि अगर तुम पॉइंट को समझते नहीं हो वो, इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट पागल है, मतलब ये है कि तुम उसके दर्जे के नहीं हो, ठीक है? समझा? तुम उसके 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 लेवल के नहीं हो। उसने जो दर्द कमाया है, जो अंडरस्टैंडिंग उसको लाइफ की है, अभी तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? अभी तुम उस दर्जे के नहीं हो। डोंट ट्राई टू, यू नो, यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद अ पॉइंट बिकॉज तुम उसके बराबर नहीं हो। आशा बहागेस्ट, अच्छा अच्छा तुम उसके लेवल के नहीं, ठीक है? समझा? ठीक है, समझा? कूल स्पेशली शेल्स, ठीक है? अच्छा 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 ओके ओके। और ये कहता है कूल स्पेक्युलर शेल्स इन विच वन हियर्स अ सैड बट अ डिस्टेंट सी। ये कहता है कि जैसे आप शेल, आपने देखा है जो सन सूंक शेल इन दैट, जब वो कान के पास आप ले जाते हो, आप उसमें आवाज सुनते हो सी की, समझा? ठीक है, ओके 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 ओके। सो ही टेल्स कि वो जो है उसकी पोइट्री ऐसी है कि आप सी, आप थोड़ा सा आप उस शेल से आप सी की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, यानी वो एक, यू नो, आप छोटे से, यू नो व्हाट आई कैन से, हाउ डू आई पुट दिस, ओके, अच्छा ओके ओके। सो जैसा कि आप वो यू नो वो एक रेफरेंस ये है, इट कैन टू यूता बोर्ड दरिया तेम लाग ची सूंक मजबूत कोशिश करा, ठीक है? ये एक ये है कि उसकी जो पोइट्री है वो चंद लफ्ज समंदर जैसे गहरे है, समंदर जैसा जो गिव मी अ मिनट। ओके या आप जैसे वो समंदर, जैसे समंदर में कितने दुख होते हैं, कितनी, यू नो, समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन पर्सन्स लाइफ, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफें होती है, ठीक है? समंदर जैसे, समंदर की एक चीज है उसकी कैपेसिटी बहुत वास्ट है, लाइक यू नो इट्स अ वास्ट कैपेसिटी ऑफ अ सी, वो सब कुछ, यू नो, उसमें आप कुछ भी डालो, यू नो इट्स वेरी वास्ट और बहुत बड़ा है। और जो शल है, शल बहुत छोटा है, शल में हम कभी कभी सुनने की कोशिश करते हैं इसको, सी को, यानी अच्छा यू नो वो जो सारा दर्द है वो समेट, वो उस पोइट्री में समेटा है, ठीक है? वो उस थोड़े से में उसकी समुद्र कूता बोर्ड छु, सो सोरी कह शल बोझने की कोशिश करा, यानी समंदर जो उसके अंदर दर्द का दरिया है पॉइंट के अंदर, सो तुम्हें क्या लफ्ज में प्रेजेंट करा, ठीक है? समझा? और ये जो है इस, या इसका दूसरा ये है अपने इन विच वन हियर्स अ सैड बट डिस्टेंट सी, ठीक है? जिसमें आप क्या सुनते हैं, दूर मगर दुखी दरिया को आप सुनते हैं, ठीक है? और उसमें वो एक वो लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, सी इज वेरी इजी, ठीक, लाइक सी इज, लाइक सी इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? समझा? यू नो हाउ शुड आई पुट दिस, लाइक यू नो सी इज वास्ट, ठीक है? समझा? एंड सी इज लाइक सी, बट दैट शल वो जो कैप्चर करने की कोशिश करता है, दैट इज अ बिग थिंग, यू नो, सब कुछ एक में समेट लेना, हम इसको ये कह सकते हैं। और ये हम हाँ, तो उसकी जो वॉइस, ये वॉइस होती है, और जो पॉइट जो होता है वो अपने मीठे मीठे अल्फाज में, उसकी जो पोइट्री होती है, यू नो, वो मीठे मीठे लफ्जों में जहर,
वो जो जहर जिंदगी का है वो पोएट्री के जरिए, वो मीठे मीठे लफ्जों में वो दर्द मीठा बना के प्रेजेंट करता है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक. फॉर मी आई डोंट वांट टू गो इन मोर एक्सप्लेनेशन, बट द लास्ट लाइंस मीन टू मी दैट पोएट्री ट्राइज टू एक्सप्रेस टू. आप शायरी पढ़िए, आप गालिब की पढ़िए, ये एक यू नो दिस इज द one of the you know poetries that I hear about, you know that Ghalib said, gaye to qiyamat ka vaada deke goya ki iske baad bhi koi qiyamat hogi. You know, this is a poetry outside, but inside it has so much pain. You know, it's addressed to someone. Ya ye chhod dijiye aap, umr bhar Ghalib yahi bhool karta raha, dhool chehre pe thi aaina saaf karta raha. How complex it is, don't you think? Ghalib is sunky, but as we see the meaning of these lines, when you understand, they have so much. The Ghalib is telling you, I was a wrong person. ठीक है, I thought there's nothing wrong with me. मैं किसी और चीज पे अपने blames कर रहा था, मैं किसी और चीज को ठीक करता, मैं किसी और चीज, मगर सारी गलती मेरी थी. Number one, but someone who knows the poetry, who knows the language, he will understand कि कितनी खूबसूरत अंदाज में इतनी तकलीफ दह बात उसने बोली है. सो दिस इज वॉट द पॉइंट ट्राइज टू से. ही सेज कि डोंट यू नो और लीव अमीर तक अमीर. पीपल कॉल्ड हिम मैन, ही वाज अ मैड पर्सन, ही हैड अ रफ अपीयरेंस, बट हिज पोएट्री वाज समथिंग रियली अमेजिंग. ठीक है, उसकी पोएट्री जो है उसको कह के लोग कहते वाह जिंदगी की समझ है. सो दिस इज ऑल इट्स अबाउट. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स, ट्राइंग टू understand what the poet has to say. ठीक है, समझ आया? On your mics. That's all for today. On your mics. The poem is very small. On your mics. And Hadia? Yes, ma'am. Hadia? बोलिए क्या pending है? Grammar में कुछ pending है? बोलिए. आवाज क्यों? हाँ बोलो हादिया, ऑन योर माइक, टेल मी व्हाट इज पेंडिंग इन ग्रामर. पूछे तभी मैं मन तो ठीक है. हाँ चलो चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. यार रब्बुल इज्जत, यार रहीम. जल्दी जल्दी करो. Said idioms and proverbs are abounding. Do one thing, Hadia. Contact me after the classes. 3-4 baje mujhse contact karna. Theek hai? Brief me about everything. Text me, then I will tell you to brief me, and I will also see what's pending that we will discuss. Theek hai? मैं आप बाकी मुझे बोले क्लास में एंड करूँ, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ रिपीट, इन दोनों क्या पढ़ा, कुछ रिपीट तो नहीं करना है, कुछ आई एम श्योर वो कंप्लीट हो गया होगा, बट स्टिल कुछ कहना तो नहीं है, कुछ कुछ जो मुझसे छूट गया है सुमा शुक्र हम बे रिपीट करूँ. टेल मी दैट. ओके एट क्लास यूज तो समझ तो शो पूरा आमद मैम ये समझो होता है कि न जाओ समझ ही है. ठीक है, यस कर जो बे रिपीट मैम यस छू हाव ने सो सॉरी क्या मंजर में. ठीक है, ठीक है. इसके डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं रिपीट करूं, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं रिपीट करूं, जरा मैं फिर से बता दूं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स.
हाँ मैं इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स रिपीट करती हूँ. दिस कैंसर टू गो कंफ्यूज्ड, थोड़ा हर आना सुन ठीक है, थोड़ा 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 कंफ्यूज को क्या कश्मीर मेरे को थोड़ा खलबली बेगोस कंफ्यूज में जन ऑन समझिन कंफ्यूज कंफ्यूज ही आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट कश्मीरी, थोड़ा सा समझ समझ थोड़ा सा गटगोश ने के कंफ्यूज का सुन ठीक है पता होना लेकिन समझ ना आना कि क्या कहना है ठीक है. हम उसको कह सकते कंफ्यूज ठीक है. आई फील समटाइम्स डिसकंसर्टेड व्हेन आई टॉक टू हिम, मे थोड़ा कंफ्यूजन गचस करा ठीक है. पे ब्या चीज विग विग वन मसी एम विग लग ठीक है समझ आ उसको विग कहते जो टकला पहनता है ठीक है समझ आया. लेकिन यहाँ पे पॉइंट में ये उस सेंस में नहीं ये किसी और सेंस में यूज किया गया है ठीक है समझ आ. आप नॉर्मल विग का आप रख लीजिए बाय मी अ विग मुझे मेरे लिए एक विग खरीदो एयर को आख एयर को हवा जो आप साइंस में पढ़ते हैं ब्याख एयर को हवा ना में वो ये वो वाला है ठीक है. अच्छा हवा ना ठीक समझ आ ये वही वाला है यू नो देयर समथिंग अबाउट अबाउट पॉइंट्स देयर समथिंग अबाउट द एयर अराउंड ठीक है वो ही है पॉइंट्स से मुतलिक ये तुमन तुम्हें अंद हवा छु दे समथिंग अबाउट दैट ठीक है समझ आ ये वही हो गया ठीक है. डैंकनेस डैंकनेस की खुशकी कश्मीर पर बोलो खुशक थोड़ा सा कार पानस थपी से खुशक ठीक है तुम से थोड़ा सा खुशकी मिजाजस मज दे समथिंग I don't know, there's, I feel some dankness, you know, around him. ठीक है मैं थोड़ा खुशकी बसा तेम आस पास खुशक कश्मीर पर ठीक है समझ स्पेकुलेट स्पेकुलेट मैं तो थोड़ा चाहिए क्या वन तुम स्पेकुलेट तु दि मैं आख मिनट ठीक है यहाँ तक समझ आया. Yes, ma'am. ठीक है स्पेक्ट को या डॉट हो आस ठीक है टोक कहते डॉट को क्या कश्मीर में टोक कहते क्या कहते कश्मीर में ऐसा डॉट डॉट आ संतृप्त सुई को स्पेक्टेड ठीक है समझ आया. ठीक है शेल्स पे भी शायद डॉट्स होते कूल स्पेक्टेड शेल्स कहते ना यहाँ से डॉट डॉट आसन शेल्स ना आसान थोड़ा सा डॉट डॉट मैं अनुराब हो गया कुछ और पूछना है मैं यही एंड करूं क्लास. बोलिए बोलिए करब क्लास एंड ओके मैम भी खुदा इस हवाले कुछ पूछना है आप मुझे स्कूल आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे वो बोल सकते हैं भी खुदा इस हवाले ठीक है चलो चलो अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़.